बहुत लंबे समय में सबकी इच्छा थी कि महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से या तो किसी चौराहे का नामकरण हो या कोई ऐसा उद्यान बने जहाँ पर हमारे सभी स्वजाति बंधु वाल्मीकि समाज के गरिमामय ढंग से कार्यक्रम को संपन्न कर सकें, वहाँ पर मूर्ति स्थापित हो। पिछले दिनों एम आई सी की बैठक हमने प्रस्ताव रखा था, प्रस्ताव को पारित किया। आज हमारे सभी वाल्मीकि समाज के हमारे पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारी ये कोशिश है कि दो तीन स्थान हमने चयनित किए, उसमें से किसी एक उद्यान का नाम महर्षि वाल्मीकि जी, किसी एक समाज के नहीं, ये पूरे देश की आस्था का प्रश्न है। और मैं समझता हूँ कि पूरा देश उनको नमन करता है, उनके प्रति अपनी आस्था रखता है। और इसलिए यदि उनके प्रति हम कुछ कर पाए तो निश्चित रूप से हम सब मानते हैं कि हमारा जीवन धन्य होगा। कोई बड़ा उद्यान उनके नाम से कर सकें, वहाँ पर उनकी मूर्ति स्थापित हो जाए, ताकि सामाजिक कार्यक्रम वहाँ पर बहुत से हो सकें। भविष्य में हम ये एक दो दिन का मेरे तय करेंगे और उसके बाद फिर वहाँ पर उसको और व्यक्ति ढंग से करने का प्रयास करें। कल्याण परिषद द्वारा आज माननीय महापौर जी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि के नाम से शहर या उद्यान का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम से उन्होंने प्रस्तावित पारित किया है। इसलिए अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज कल्याण परिषद उनको धन्यवाद देने के लिए उनके निवास पर आई, और आशा करते हैं जैसा उन्होंने आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में महर्षि वाल्मीकि जी का उद्यान और उसमें मूर्ति स्थापना की जाएगी। इसी को लेकर के हम पूरी अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज कल्याण परिषद उनका साधुवाद करते हैं और धन्यवाद देते हैं। आशाएं करते हैं कि हमें उनका इसी प्रकार का निरंतर सहयोग बना रहेगा। धन्यवाद आपका।